हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। और चलिए अब बात करते हैं, आज इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करेंगे। इसका मैंने वीडियो बनाया था तकरीबन 4 महीने पहले और तब से शेयर का प्राइस काफ़ी मूव अप हो चुका है। और मैंने जब वीडियो बनाया था तो मैंने उसमें काफ़ी कुछ डिटेल में बताया गया था कि कैसे क्या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर डेट इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, दिस इज़ द वीडियो ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ये वीडियो है और 4 महीने पहले तकरीबन आया था। और उस समय जब इसकी प्राइस चल रही थी थोड़ी सी 52 के रुपीज़ के आसपास चल रही थी। और अगर हम ऐड को यहाँ से हटाते हैं तो जब ये वीडियो मैंने बनाया था तब ये प्राइस जो स्टॉक का था 52 रुपीज़ के आसपास था। और इसमें मैंने सारा कुछ कवर किया था कि कितना क्या अभी स्टॉक का करंट में प्राइस है, क्या कैसा मूव बन सकता है फ्यूचर में। सो आज भी हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में, बिकॉज इट वॉज द वीडियो फ्रॉम वैन वी आर स्टार्टिंग ऑफ यूट्यूब चैनल। तो 52 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड करता था उस समय। अभी काफ़ी कुछ मूव अप हुआ है, उसके बाद 70 रुपीज़ तक गया है, वी कैन 75-76 रुपीज़ तक गया है, अभी थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। एंड चलिए बात करते हैं वीडियो में आगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा कि मैं पर्टिकुलर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर रहा हूँ, तो मेरी आपको कोई एडवाइस नहीं रहेगी कि आप उस कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें। एंड ये आपका ड्यू डिलिजेंस रहेगा, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको फाइनेंशियल बताऊँगा, बिजनेस मॉडल बताऊँगा कैसे क्या फ्यूचर में इंप्रूव हो सकता है। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एक काफ़ी अच्छी बैंक है और ऑल टाइप ऑफ फाइनेंस दे आर डूइंग, डिपॉजिट भी लेते हैं और सब तरह के लोन देते हैं। तो एक अच्छी इंप्रूविंग हो रही है बैंक, धीरे धीरे बिजनेस इनका ग्रो हो रहा है। और जब तक मुझे ऐसा लगता है स्मॉल फाइनेंस बैंक का काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, काफ़ी मार्केट कैप में अगर देखें ना तो बहुत स्मॉल मार्केट कैप, 7,000-7,500 करोड़ की कंपनियाँ लेके चल रही हैं और बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रही हैं, ग्रो भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे फ्यूचर में इंडिया डेवलप होगा, आगे सब चीज़ चल रही है आगे, तो बैंकिंग तो एसेंशियल चीज़ है और बैंकिंग के बिना कुछ हो नहीं सकता। और इंडिया में छोटी जो छोटे छोटे लोन होते हैं उनको देने के लिए बड़ी बड़ी बैंकें जो है ना वो इतना अग्रसर नहीं रहती, बट ये बैंकें काफ़ी एग्रेसिव होकर काम कर रही हैं। तो अगर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करें तो 18 स्टेट्स में इनकी पहुंच है, 901 इनके पास बैंकिंग आउटलेट्स हैं, 347 इनके खुद के ATM हैं, 287 इनके बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स हैं और 20,000 के आसपास इनके एम्प्लॉई हैं। तो ये इनकी हाईलाइटेड थी जो इनके बैंक के बारे में बताता है। और अगर हम इनके लोन सेगमेंट देखें तो ये स्मॉल बिजनेस लोन भी देते हैं और व्हीकल लोन भी फाइनेंस करते हैं, हाउसिंग फाइनेंस भी करते हैं, माइक्रो फाइनेंस भी करते हैं। तो इक्विटास शक्ति 100% डिजिटल सेल्फ बोर्डिंग ऐप देयर, तो ये काफ़ी ग्रो हो रही है धीरे धीरे करके, इनका ऐप भी डिजिटल रूप में काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। और ये सब्जी वालों को छोटे छोटे लोन देते हैं, जो भी 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 लोन है क्विकली फाइनेंस करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, वहाँ से इनको ज़्यादा मार्जिन ज़्यादा है। RBI ने स्पेशल पावर दे रखी है इनको ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की, क्योंकि ये बहुत अच्छे लोन देते हैं छोटे छोटे और इनकी रिकवरी बहुत अच्छी, बिकॉज जो ग्रास रूट पर काफ़ी अच्छे इनके रिकवरी एजेंट रहते हैं तो इनकी रिकवरी काफ़ी अच्छी रहती है उन सेगमेंटों में, लोन की जितनी लोन जितनी फास्ट देते हैं उसके लिए रिकवर भी कर लेते हैं अमाउंट को। और कंपनी की मार्केट कैप अभी 7,454 करोड़ हो गई है, करंट प्राइस 67 पॉइंट है और जो इसका 52 वीक का हाई 77.9 गया है और 37.4 है। स्टॉक का पी 14.8 है और ROC 7.29 है, बुक वैल्यू 33 रुपये है, डिविडेंड अभी सर्व नहीं करती है और ROE 7.35 है और इंडस्ट्रीज का पी 12.8 है, उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया है। पर मेरे हिसाब से अभी जो मार्च के रिजल्ट आएंगे उसमें जो इनकी एक्सेबिलिटी बढ़ेगी, इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे तो ये सब बीट आउट हो जाएगा और कंपनी अच्छी है मेरे हिसाब से। पैक रेशियो 0.67, काफ़ी ग्रोथ बची हुई है अभी इसमें, तो पैक रेशियो काफ़ी सही है। बुक प्राइस टू बुक वैल्यू 1.98 है, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 0 दिख रही है, डेट टू इक्विटी रेशियो ठीक है, डेट तो लेंगे तभी तो लोन देंगे, क्विक रेशियो वगैरह सब कम्फर्टेबल जोन में है। एंड अब हम बात कर लेते हैं इनके 17 दिसंबर 2022 के जो रिजल्ट आए थे, अगर दिसंबर 2022 से दिसंबर 2019 में कंपैरिजन करें तो सेल्स काफ़ी इंप्रूव हो चुकी हैं, 677 से 1,063 के आसपास इनकी सेल्स हो गई, हाईएस्ट एवर सेल्स आई हैं। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 32 करोड़ से बढ़कर 77 करोड़ हो गया है। तो आप देखिए ना, सेल्स डबल नहीं हुई पर फाइनेंसिंग इनका प्रॉफिट डबल हो चुका है, क्योंकि मार्जिन ज़्यादा रह जाता है, फाइनेंसिंग मार्जिन 5% से 7% पहुंच गया। अदर इनकम 86 करोड़ हुआ करती थी 3 साल पहले, अभी 153 करोड़ हो गई, तो ये अदर इनकम बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। और अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 118 करोड़ से बढ़कर 229 करोड़ हो गए, काफ़ी अच्छा गेन किया है और काफ़ी अच्छा बैंक कर रही है।
अगर नेट प्रॉफिटी की बात करें तो 94 करोड़ से 170 करोड़ की जर्नी हुई है, काफ़ी अच्छी जर्नी हुई है यहाँ पर। और EPS भी 0.89 से 1.36 की हुई है। और अगर हम NPA की बात करें तो NPA काफ़ी कंट्रोल हो गया है कोविड के बाद, खासकर इनके लोन काफ़ी NPA हो गए थे और अभी NPA काफ़ी कंट्रोल है। 3.63 इनका ग्रॉस NPA और नेट NPA जो होता है 1.82 होता है। ग्रॉस NPA नेट NPA में क्या अंतर होता है हम आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। जैसे क्या किसी बैंक ने अगर 100 रुपये का लोन दिया है, टोटल उनकी 100 रुपये की लोन बुक है और उसमें अगर तकरीबन 10 रुपये इनका NPA हो चुका है, मतलब उसकी प्रोविजनिंग नहीं की, मतलब 10 रुपये NPA हो गया, तो उनका अगर हम ग्रॉस NPA देखेंगे तो 10% देखेंगे। लेकिन क्या है RBI और गवर्नमेंट के रूल रहते हैं कि आपको प्रोविजनिंग भी करनी पड़ती है अपने PA लोन अकाउंट की, जो इनका अकाउंट सही है NPA की करनी पड़ती है। कुछ सब स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ डाउटफुल होते हैं, उनको भी आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। तो प्रोविजनिंग करने के बाद माना कि अगर 10 रुपये लोन था और उन्होंने प्रोविजनिंग 5 रुपये की कर रखी है तो उनका नेट NPA 5 रुपये रह जाएगा। तो यहाँ पे इनका जो NPA है वो 3.63% इनका ग्रॉस NPA है, बट अगर हम बात करें नेट NPA की तो 1.82, बाकी का डिफरेंस इन्होंने प्रोविजनिंग कर रखी है। प्रोविजनिंग करके रखनी पड़ती है, RBI के रूल्स रहते हैं। तो नेट NPA काफ़ी एडजस्टेबल है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो तकरीबन अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में रेवेन्यू हाईएस्ट एवर दिख रहा है, 3,902 करोड़ का रेवेन्यू आता दिख रहा है। और फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो 90 करोड़ के आसपास फाइनेंसिंग प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर हम देखें मार्च 2022 में जब कंपनी लॉस में थी और फाइनेंसिंग प्रॉफिट में, तो उसके बाद जब ये उभरी है तो थोड़ा ठीक है और फाइनेंसिंग प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 669 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है, काफ़ी अच्छा आ रहा है। और यहाँ हम नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 533 करोड़ इनके पास नेट प्रॉफिट आता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है 503 करोड़ से ज़्यादा ही आएगा, बिकॉज मार्च का जो क्वार्टर रहता है आज खत्म हो चुका है मार्च की, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है, काफ़ी ज़्यादा लोन डिसबर्स होते हैं, क्योंकि ये ईयर ऐसा रहता है इसमें सारे टारगेट अचीव किए जाते हैं। नॉट ऑल्सो इन बैंकिंग सेक्टर, हर एक सेक्टर में मार्च बहुत बड़ा क्रूशियल रहता है, क्योंकि उनकी जो भी कुछ इन्वेंट्री भी रहती है अगर हम दूसरे बिजनेस की बात करें तो वो भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा डिस्काउंट देके निकाल देते हैं। इसी तरह बैंकिंग में भी होते हैं, जो भी प्रपोजल होता है उसको डिस्पोजल करने की कोशिश में रहते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट इनके पास शेयर कैपिटल 1,252 करोड़ का है, रिजर्व भी 2,994 करोड़ का इनका खुद का पैसा है। कंपनी के पास बात करें तो कंपनी के पास खुद का पैसा बहुत है और कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ कितनी है, मार्केट कैप सिर्फ यहाँ पर दिख रही है 7,500 करोड़। 7,500 करोड़ वाली कंपनी के पास खुद का पैसा ही तकरीबन आप देखिए 4,000 करोड़ के ऊपर इनके पास खुद का पैसा है। और बोरिंग भी लगातार बढ़ रही, दैट इज ऑल्सो गुड सिंबल, क्योंकि जितना ज़्यादा लोन लेंगे उतना हम लोन दे पाएंगे। और फिक्स असेट 189 करोड़ का है और CWIP में 11 करोड़ दिख रहे हैं, एंड इट मीन्स दैट कि उनके कुछ नई ब्रांचेस खुल रही होंगी वो भी है। और ये सब शायद मार्च की जो क्वार्टर आएगा तब जून का जब रिजल्ट आएगा तो सब चीज़ शो होंगी बहुत अच्छी तरीके से। कैश फ्लो पॉजिटिव है, दैट इज अ गुड साइन हियर। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर 0 दिख रहे हैं और 0 अगर हम बात करें तो FI की 21.99 है और DI की 43.53 है, ये यहाँ पर बढ़ चुका है ये अमाउंट। और पब्लिक यहाँ पे 34.48 दिख रहा है। सो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। अब हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न की। यहाँ पे हमने कोटक स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट ओपन कर रखा है और जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तब भी मैंने ये बताया था कि ये यहाँ से कब विथ हैंडल का पैटर्न बनेगा और यहाँ पे एक W सा पैटर्न फॉर्मेट हो रहा था। और ये मैंने पैटर्न भी बना के दिखाया था कि ये यहाँ से W पैटर्न बनेगा और ये यहाँ से ऐसा जाएगा, और वैसा ही जस्ट लाइक इस चार्ट को दिखा के शेयर ऊपर उतना ऊपर गया भी और बिल्कुल सिमिलरली W पैटर्न बना। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी इजीली, आपको अगर ये चेकआउट करना है तो मेरा पिछले का वीडियो कोटक स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप प्ले लिस्ट में प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से W पैटर्न बना के एकदम शार्प W पैटर्न बना था और वहाँ से निकल गया था। अभी बात करें तो अभी एक काफ़ी अच्छे सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है, बेसिकली दिस इज द गुड सपोर्ट, कभी रेजिस्टेंस बना अभी वही सपोर्ट काम करेगा और मेरे हिसाब से यहाँ से इससे नीचे थोड़ा सा नहीं जाएगा और यहाँ से मूव अप फिर एक अच्छी कहानी बन सकती है। और बेसिकली अगर आप देखें ना तो 33, 35, 36, 37 रुपये से अच्छी खासा रैली दिया था, एक तरफ से डबल हो चुका था 5 से 7 महीने पैसे, तो थोड़ा टाइम लगेगा बट कंपनी काफ़ी अच्छी है और थोड़ा लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से लिया जाए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है 8-10 साल के लिए, बिकॉज इट इज़ अ स्टॉक फॉर कीपिंग एंड फॉरगेटिंग, मतलब आप उसको ले लो और भूल जाओ वो आपको ये रिटर्न देगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को